मिर्जापुर की हिंसक दुनिया अक्टूबर 2020 में दूसरी बार जिंदा हो उठी। हमने सीजन 1 की घटनाओं के बाद गुड्डू, अली फजल, गोलू, श्वेता त्रिपाठी, मुन्ना, देवेंद्र शर्मा जैसे कई पुराने कैरेक्टर को देखा। हालांकि कुछ कैरेक्टर ऐसे भी थे जिन्हें हमने दूसरे सीजन में बहुत याद किया। उनमें से गुड्डू पंडित का भाई बबलू भी था, यानी कि विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी ने मिर्जापुर में बबलू की भूमिका निभाई और पहला सीजन उनकी मौत के साथ खत्म हुआ था। हालांकि विक्रांत को शुरू से इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वे शो की शूटिंग शुरू करेंगे तो उनका किरदार खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आपकी मनपसंद वेब सीरीज मिर्जापुर और मिर्जापुर में बबलू पंडित का किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बबलू पंडित, जी हाँ, बबलू पंडित वकील रमाकांत पंडित के छोटे बेटे थे जो अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते थे और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहते थे। लेकिन जब मुन्ना और उसके दोस्त उसकी फैमिली को धमकाते हैं तो वह अपने परिवार को कालीन भैया से बचाने के लिए गुड्डू का साथ देते हुए नजर आते हैं। मिर्जापुर का बबलू एक ऐसा किरदार जिसने ताकत से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। कालीन भैया के कट्टों के व्यापार को बढ़ाने के लिए जहां एक तरफ गुड्डू अपनी ताकत का प्रयोग करता है तो दूसरी तरफ बबलू अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। लेकिन मिर्जापुर सीजन 1 का लास्ट एपिसोड हमें कहीं ना कहीं निराश कर देता है जब बबलू अपने भाई गुड्डू, भाभी स्वीटी और उसकी बहन गोलू के साथ एक शादी में शामिल होने जाता है और इस शादी में मुन्ना भी आ जाता है। मुन्ना अपने दोस्तों के साथ बबलू और स्वीटी को मार देता है जिससे दूसरे सीजन के आने का आगाज हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बबलू का किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिरी एपिसोड में उनकी मौत के साथ उनके किरदार का भी अंत कर दिया जाएगा। इसके बारे में विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया भी था कि जब मैंने सीरीज की शूटिंग शुरू की तो मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया था। मेरे किरदार की मौत सीजन 1 के अंत में कर दी जाएगी। मुझे इसके बारे में 15 दिनों की शूटिंग के बाद पता चला। मैं थोड़ा शॉक रह गया था, लेकिन बबलू का किरदार एक अच्छी तरह से लिखा गया था जिसे मैंने बखूबी निभाया। लेकिन मुझे इस किरदार के अंत के बारे में पहले कोई भी जानकारी नहीं थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि बबलू के किरदार का खात्मा सीजन 1 के अंत में नहीं करना चाहिए था? क्या बबलू का किरदार सीजन 2 में भी बढ़ाना चाहिए था? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। और हाँ, आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।